सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है। मैं नहा चुकी हूँ सुबह। मैंने आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह बहुत जल्दी मैंने कर लिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। और आज ब्रेकफास्ट हम लोगों ने एकदम सिंपल सा किया था, क्योंकि आज का जो लंच है वो थोड़ा हैवी होने वाला है और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाने बैठती तो फिर लंच के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था। हम लोगों ने टोस्ट वगैरह, ब्रेड वगैरह सब चाय से खा ली थी, और ये जलेबी ले आए थे तो हम लोगों ने जलेबी खा ली थी। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। अभी मैं रेडी नहीं हुई, अभी मैंने सिंपल सा अपना ये वाला सूट पहना हुआ है, और इसका जो दुपट्टा है बहुत टाइट टाइट वाला है, इसलिए मैंने ये स्टॉल ले ली है। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी रच चुकी है और बहुत ही अच्छी लगी है। ये देखिए पीछे भी रच चुकी है मेरी मेहंदी। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैं पहले पूरा लंच कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि आज का लंच बहुत ही स्पेशल और अच्छा बनने वाला है। टाइम लगेगा, और लंच बनाने में मैं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हूँ, इसलिए अगर मैं कोई नई ड्रेस पहन लेती जो मैंने ली थी तो वो मेरी पूरी लंच बनाते बनाते ही गंदी हो जाती है। इसलिए मैंने पहले सोचा पहले लंच बना लूँगी, उसके बाद मैं आराम से पूरा तैयार हो जाऊँगी। फिर भैया लोग भी, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, अब देखिए आज अभी पता नहीं है वो लोग आ पाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो इस चक्कर में जो मेरा छोटा वाला भाई है वो स्कूल में है, तो वो अपने कॉलेज गया हुआ है। जो मेरा बड़ा वाला है वो तो शॉप किए हुए है, वो देखिए शायद वो आ जाए। तो अगर होगा तो शायद, हो सकता है दोनों आ जाए, नहीं ऐसा भी होगा कहीं दोनों भी ना आए, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी यहाँ महिमा नैतिक तो हैं, वो लोग तो रक्षाबंधन एक दूसरे से सेलिब्रेट करेंगे ही, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने लंच की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी प्रिपरेशन कर ली है, और मैं क्या बनाऊँगी वो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज अगर मैं इस तरह से बातें करने बैठूँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, जो आप लोगों को इरिटेट कर सकता है। चलिए पहले चलते हैं किचन में और लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स आज कढ़ाई पनीर। इसके लिए मैंने एक साइड में कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, और दूसरी साइड मेरी खीर बनने के लिए मेरा दूध भी मैंने गैस पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने कढ़ाई पनीर के लिए काटा ये बड़ा बड़ा शिमला मिर्च और प्याज, और ये मैंने अपने अकॉर्डिंग पनीर काट कर रखी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जब मेरा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जो पनीर है वो डालकर इसको एक हल्का सा फ्राई दे दूंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी, पनीर को एकदम लाल भी नहीं करूंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि पनीर में थोड़ा सा कच्चापन पनीर का चला जाए। तब तक मैं पनीर को फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और मेरे दूध में बॉयल भी आ चुका है, थोड़ा सा पकने के बाद मैं उसमें भी चावल ऐड कर दूंगी। पहले मैं इनको पनीर और जो प्याज वगैरह इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है। और उधर मेरे दूध भी मेरा बॉयल हो चुका है, तो उसमें मैं ये चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने धुल कर भिगा कर रखे हुए थे। तो ये चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि अगर आप लोग तुरंत चावल डालने के बाद मिक्स कर देते हैं तो चावल की गांठ नहीं पड़ती है, अगर मिक्स नहीं करते हैं तो चावल गांठे जैसी पड़ जाती हैं। तब तक मेरा पनीर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी सेम घी में ही मैं ये शिमला मिर्च जो मैंने काट कर रखी हूँ, ये शिमला मिर्च और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जिस तरह से मैंने पनीर को फ्राई किया उसी तरह से मुझे बस शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई करना है। मुझे इसे पूरी तरह से पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैलो फ्राई करना है, तो मैं इसको सैलो फ्राई ही करूँगी। तो मैंने प्याज भी डाल दिया है, शिमला मिर्च मेरा हो चुका है जिससे मैंने बताया, मैं इसको सैलो फ्राई ही करूँगी। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पकाना नहीं, अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो ये एकदम से जो कढ़ाई पनीर में रियल टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर हम इसको सैलो फ्राई कर दें तभी इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो शिमला मिर्च और मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको एक बड़ी सी थाली में निकाल ले रही हूँ। और उधर मेरा
खीर भी अच्छे से मेरी पक रही है और सेम ही घी, देखिए मैंने घी भी चेंज की, घी उसी में था तो मैं इसी घी में ये मैंने लिए मिर्ची अदरक और लहसुन, ये मैंने वो रफली चॉप कर लिया है बड़ा बड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी इसकी प्यूरी करनी है, इसलिए मैंने इसको घी में डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड के लिए पकाना है। उसके बाद ये मैंने रफली 2 बड़े प्याज काट कर रखे हुए थे, ये भी मैं कढ़ाई इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, या आप ये कह सकते हैं जो प्याज की सारी स्लाइस होती हैं ये अलग अलग हो जाए, बस इसको इतना ही हमको करना है, ना इसको लाल करना है ना इसको ब्राउन करना है। तो देखिए प्याज मेरा हो चुका है, अब मैंने जो ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए थे ये मैं इसमें डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, टाइम ना ले टमाटर गलने में, इसलिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको ढक करके टमाटर को अच्छे से गलने तक गला लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक कर रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो थोड़ी ही देर में देखिए टमाटर यहाँ पर गल चुका है काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल पक चुका है। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल करके इसको पूरी तरह से ठंडा होने तक, इसको बिल्कुल ठंडा करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको पीस करके इसकी प्यूरी बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी खीर बन रही है, खीर में मैं अब डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, जितना भी आपको जिस अकॉर्डिंग चीनी खानी है आप उसी अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लिया, मैं अपनी सब्जी को बनाऊंगी जो मैंने प्यूरी बना कर रखी थी मसाले की ठंडा करने के बाद। ये पूरा मसाला मैं इसमें घी के बाद डायरेक्ट ये मसाला ऐड करूंगी, आप चाहें तो आप खड़ा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें कढ़ाई पनीर में खड़ा मसाला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इसमें पिसा सारा जो मैं मसाला ऐड करूँगी सारा पिसा मसाला ही इसमें ऐड करूँगी। तो ये घी डालने के बाद मैंने इसमें ये प्यूरी डाल दी थी, प्यूरी को मुझे काफ़ी अच्छे से भूनना है, वैसे तो ये मसाला पका हुआ है लेकिन इसको फिर भी काफ़ी अच्छे से भूनना है। और उधर खीर मेरी काफ़ी हद तक बन चुकी है, अब मैं खीर में डाल दूंगी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश और गरी ली हुई है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो प्यूरी है ये भी काफ़ी अच्छे से बन रही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, तो मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी धनिया का पाउडर और आधी चम्मच डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्च मैंने से पीसी है आजकल बारिश में हरी मिर्च बहुत तीखी आती है, इसलिए मिर्च का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसमें लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी सी आधी चम्मच डाली है, और ये आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। और डालूँगी मैं इसमें जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी मस्ट है फ्रेंड्स, ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालने के बाद मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक डालने के बाद अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते हैं तो रहने दीजिएगा, ये सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है, तो मैंने एकदम थोड़ा सा ही इसमें डाला है। इसको डालने के बाद मुझे इस मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए मसाला मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैंने 2 चम्मच मलाई ली हुई है, ये एकदम घर की फ्रेश मलाई है। मलाई डालने के बाद मैं इसको काफ़ी अच्छे से फ्राई करूंगी, जब तक मलाई से सारा तेल रिलीज नहीं हो जाता है मैं तब तक इसको फ्राई करूंगी। तो देखिए मलाई से तेल रिलीज हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, वैसे तो कढ़ाई पनीर ज़्यादा पतली नहीं बनती है, ये थिक ही बनती है, तो मैं इसको थिक रहने दूंगी, बहुत पतला नहीं करूंगी, इसलिए मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल रही हूँ। आप लोगों को जैसा पसंद हो वैसे बना सकते हैं, वैसे मोस्टली कढ़ाई पनीर थिक ही रहती है, वो पतली नहीं बनती है। तो पानी डालने के बाद मैं इस ग्रेवी को बहुत अच्छे से फ्राई करूंगी, ताकि जो भी तेल है वो एकदम से बाहर हो जाए, निकल जाए मसालों से। तो यहाँ पर तेल मेरा अच्छे से, मसाला पक चुका है, तेल छोड़ दिया है।
यहाँ पर मेरी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने इसमें जो शिमला मिर्च, प्याज और ये पनीर फ्राई करके रखा हुआ था ये मैं डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी से ये सारा सब कुछ पका हुआ है। जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से तेल रिलीज कर चुकी है, इसलिए मुझे इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाऊंगी। तो अब मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए अब बाकी का लंच बना लेती हूँ। तो रेडी हो चुका है देखिए यहाँ पर मेरा लंच। ये सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, सब्ज़ी के साथ खीर, रायता मैंने पुदीने का बनाया है, पूड़ी कचौड़ी बनाई है और मैंने इसके साथ मैंने काटा है ये प्याज और टमाटर का सैलेड, जीरा राइस बनाया और पापड़। तो आप लोग भी खाइए और बताइए, बनाइए, ट्राई करिए अपने घर में और बताइए कि मेरा खाना कैसा बना है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैंने एक वीडियो इतना ही बनाया, इसके आगे का भी मैंने राखी वाला भी कैप्चर किया है, वो इसके आगे वाले में मैं वीडियो में दे दूंगी, तो आप लोग उसमें देखिएगा। तब तक के लिए बाय और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।